भोजपुरी सिनेमा की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे भोजपुरी। भोजपुरी फिल्मों के सबसे चहेते अभिनेता और मेरे फेवरेट एक्टर चिंटू मेरे साथ है। चिंटू, आपका बहुत बहुत स्वागत है लहरे। सबसे पहले लहरे देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं इनका सबसे फेवरेट हीरो हूँ, ऐसे ही ये मेरी सबसे फेवरेट रिपोर्टर रही हैं हमेशा से। जब भी पूजा आती हैं बहुत अच्छा लगता है इनके साथ इंटरव्यू करना, और इनको तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके साथ साथ लहरे के पूरे टीम को भी। चिंटू, आज शेरवानी पहना है आपने, क्या है, शादी करने जा रहे हैं आप? जैसा कि फिल्म का नाम है ससुराल, तो ससुराल तभी किसी भी व्यक्ति का होता है जब तक उसकी शादी होती है। तो ये फिल्म का, जैसा कि जो फिल्म हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, इस फिल्म का नाम है ससुराल, और इस फिल्म में मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बार शादी होती है। और जिस लेवल पर ये सिनेमा बना है वैसा सिनेमा शायद ही दोबारा बन पाए। और ये ऐसी कहानी अब तक भोजपुरी, हिंदी, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं देखा गया है। और ये सत्य घटना पर आधारित है, ये सच्ची कहानी है। इसमें मेरा साथ दे रही है दो बहुत ही खूबसूरत अदाकार, एक हैं काजल यादव और एक हैं अमृता आचार्य। दो नई अदाकारा हमारे सभी दर्शकों के बीच आ रही हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने बाकी हीरोइनों को दिया है, वही प्यार, वही आशीर्वाद इन दो खूबसूरत अदाकाराओं को ज़रूर दें। चिंटू, एक ही फिल्म में दो दो हीरोइन, क्या बात है? दरअसल कहा ना कि हमने के जौन भोजपुरी के जौन नव युवा लोग बाड़े सन, उन लोग के एक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन एगो अधूरा रह जाला, एक में मन ना भरेला, तो दूसर के जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाला, तो ऐसा कुछ है इस फिल्म में। लेकिन मतलब आप बिगाड़ रहे हैं लोगों को कि एक से नहीं दो से कम होने वाला है आप? दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत फॉलो करते हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मजाक की बात थी कि प्यार तो एक ही से होता है, और ये वही इस फिल्म में दर्शाया गया है। लेकिन जो दोनों जो अदाकार हैं, अब तक हमने जो भी फिल्में दिखाई है तो हम दिखाते हैं कि एक लड़की है जो एक हीरो के पीछे पड़ी है और हीरो दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है। लेकिन ये फिल्म है, इसमें हीरो दोनों के साथ रोमांस कर रहा है, दोनों के साथ बराबर रोमांस कर रहा है, और कैसे क्या परिस्थितियाँ बनती है, कैसे क्या चीज़ें बनती है, और उसके साथ कहानी इसके साथ कैसे घटती जाती है, वो इस फिल्म में दर्शाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। चूँकि फिल्म का नाम है ससुराल, तो ये महान पारिवारिक फिल्म है, आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और हर लोगों के लिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए ये फिल्म है, तो हर तरीके का मसाला है, हर तरीके का एंटरटेनमेंट है। पूरी फिल्म आपको, पूरी फिल्म पूरा एक थाली भरकर परोसा जाएगा खाना, और आपका पूरा मनोरंजन करते हुए आपका पेट भरकर ये सिनेमा आप सबको दिया जाएगा। चिंटू, आमतौर पर देखा जाता है लोग एक ससुराल से परेशान हो जाते हैं, आप दो दो ससुराल कैसे संभाल रहे हैं? हाँ, ये बहुत नायाब चीज़ है कि मैं दो दो ससुराल संभाल रहा हूँ, और सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि बिहार से लेकर मुंबई तक हर जगह एक कहीं ना कहीं मेरा ससुराल बन जाता है। और लड़का जब बॉम्बे आता है उसका ससुराल बॉम्बे बन जाता है, और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। और काफ़ी बड़े नाम है इस फिल्म में, काफ़ी लोगों ने बहुत ही उम्दा कलाकार हैं इस फिल्म में, सभी लोगों ने अपनी बहुत ही उम्दा कलाकारी की है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो टीनू वर्मा जी का है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो दुल्हन से पाकिस्तान से में उन्होंने बहुत ही अहम किरदार निभाया था। वो इस फिल्म में मुंबई के एक बहुत ही बड़े गुंडे, बहुत ही बड़ा जिनका साम्राज्य है, वो रोल निभा रहे हैं। तो आज के सीन के बारे में जानना चाहूँगे, काफ़ी एक्शन हो रहा है, तो कुछ बताएंगे? हाँ, इस फिल्म में जैसा कि नाम लोगों को समझ में आता है कि फिल्म का नाम है ससुराल, तो कोई फैमिली ड्रामा होगा, कोई सिर्फ पारिवारिक ही माहौल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म का नाम है ससुराल, लेकिन ससुराल के साथ साथ जो एक घर परिवेश की जो चीज़ें, स्थितियाँ हैं, उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ पर लोगों को एग्रेसिव होना पड़ता है। और काफ़ी भरपूर एक्शन हैं इस फिल्म में, बहुत ही बड़े लेवल का एक्शन है, क्योंकि इस फिल्म का एक्शन टीनू वर्मा जी कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी हिंदी की फिल्मों का एक्शन किया है, गदर, घातक, घायल, बॉर्डर, माँ तुझे सलाम, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने किया है एज एन एक्शन डायरेक्टर, वही इस फिल्म में भी एक्शन डायरेक्टर हैं। तो गाने, एक्शन के साथ साथ मैं गानों की बात करना चाहूँगा, गाने बहुत ही कमाल हैं, और मेरा ये दावा है कि ये गाने हमारे लोगों को बहुत पसंद आएगा, और इसमें से इस फिल्म में कई सारे ऐसे गाने जो हमारे माताओं बहनों को बहुत पसंद आएगा, साथ ही साथ जो हमारे युवा लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी उनके स्टाइल का भी गाने बनाए हैं। तो काफ़ी अलग अलग वेरिएशन है, काफ़ी नया नया चीज़ें हैं, और नए नए डिशेज़ हम सब देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म में लोग ज़रूर अपना
پیار اور پورے ایکتا کے ساتھ اپنے نزدیکی سینما گھروں میں ضرور دیکھیں گے فلم.